0006 ये जो सिक्स नंबर है ना वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। सुबह पहनना क्या है? मैं सोच रहा हूँ शेरवानी पहन लूँ सुबह। आप क्या पहनोगे? मैं सोच रहा हूँ पिछली बार मैं सरप्राइज देने के चक्रों में मेरी गाड़ी रह गई, ये तभी आने नहीं ले ली बहन, इस बार रिस्क नहीं लेना। मैंने कहा रिस्क लेने नहीं बहन जी, इस बार नई गाड़ी लेनी है। जब भी गाड़ी लो 2 लाख चलाओ, मीटर टेम्परिंग जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, तभी जाके आपकी गाड़ी बिके। मैंने जब देखा मैंने कहा ना ना भाई ना, वापस हो जा नहीं तो आज मारा जाएगा इस गाड़ी के लिए। मजबूरन बेचनी पड़ी, जैसे एक कोई बंदा बिछड़ नहीं जाता वैसे वो गाड़ी मुझसे बिछड़ी और मुझे बहुत रोना आया। तो भाई बाबूजी इसमें देखो फीचर्स देख, तो ये एक स्पीकर एक्स्ट्रा कटिंग लेने फीचर देख के गड्डी नहीं ठुक दी भाजी, असी हैवी ड्राइवर हैगा। ओ हैवी ड्राइवर तो हैगा, असी हैगे हैवी ड्राइवर हैगा, टेंशन 18 रूबी का ना सारी अपने कोल। बड़े भैया ये वेट किसका कर रहे हैं सारे? ब्रावर जोरी का नहीं, वेट किसका कर रहे हैं? ये आपका वेट तो नहीं कर रहे थे अलीम भाई, आपका वेट कर रहे हैं? बड़ी भी है, इनको छोड़ो ना, लेकिन मुझे बताओ वो इमरान है, वो इमरान है, ये भी इमरान है, राज के इतने इमरान क्या कर रहे हैं? हमारे साथ भी हैं मामू इमरान। असली में ये होटल कौन सा इमरान? ये बेसिकली असली होटल वही था पहले। अच्छा वो वाला, ये वाला वो पार वाला, फिर जब वो उसका काम थोड़ा बढ़ता गया फिर उसने एक और ले लिया, उसी का आ जाओ चले, मतलब वो कुरेशी कबाब वाला। छोटे भैया क्या लाए? और है छोटे भैया क्या लाऊं? और एक कबाब आया आपके लिए। कोई बात नहीं, वो सुन ही नहीं रहे, उनके कान बंद है, बोलो। जब पापा ने दिया सुफियान साकी भाई क्या बोल रहे हैं आप समझे हो? पापजी आप समझे हो? जम्मू तो मैं जड़ा बह जाऊंगा सी ना, कपड़े ना वो पर है ना, इधर ही आई है। सुबह पहनना क्या है? मैं सोच रहा हूँ शेरवानी पहन लूँ सुबह। तो नीचे क्या पहनोगे? नीचे जूती पहनूंगा। असम भाई आप क्या पहनोगे सुबह? आप क्या पहनोगे? नहीं आपके मामू भी आ रहे हैं, चाचू भी आ रहे हैं, चाची भी आ रही है, मामी भी आ रही है, हैं चार चीजें। ऊपर क्या पहनोगे आप? स्नीकर पहन है, चप्पल नाइस। मामू बैठे मैं भी बता देता हूँ। मैं आपको कहाँ तक ढूंढ के आया हूँ? कहाँ जाओ, इमरान के अंदर भी गया, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी गया हूँ, वही बैठे हुए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो चलाने, लेकिन बड़े भैया कह रहे हैं मैं नहीं चलाता ब्लैक स्कॉर्पियो। क्यों नहीं चलाते ब्लैक स्कॉर्पियो? व्हाइट में जो फील है ब्लैक में नहीं है। तो ब्लैक भी तो गाड़ी स्कॉर्पियो ही है ना जी? नहीं यार, इसमें वो मेरे ख्याल में कुछ मुझे लगता है क्लच का इशू है, मुझे नहीं लग रहा है यार। चली तो 9600 कुछ। बैठो यार मैं बताता हूँ कैसे चलती है। आओ आओ, ये लग्जरी है यार, इसी में तो असली मजा है। अब हम आए हैं Z8L में। पीछे गया भाई, रास्ता पता है हमें, पीछे नहीं चलते हम किसी के। ओ यार पबजी कश्मीर का कोना कोना चप्पा चप्पा पता है, जहां इन्होंने जाना वो पता है। अब इनको चलने को ना आगे DF बिलो है उस तेरी। DF बिलो क्या होता है? DF बिलो है इसमें, मतलब आपकी पेट्रोल है, ये डीजल है ना, आपकी पेट्रोल है किया उसमें, उसमें नहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसमें क्या होता है? DF होता है हर वो यूरिया। आजकल डीजल BS6 में ना यूरिया पड़ता है हर 8000 के, 6000 से 8000 के बीच में। तो इन्होंने लास्ट टाइम पता नहीं कब फुल करवाया होगा, अब 1400 किलोमीटर के बाद यूरिया जो है इस गाड़ी का खत्म हो जाएगा। पबजी यार इसमें एक और दिक्कत है ना हमारी ब्लैक वाली स्कॉर्पियो में, जो हमारी वाइट वाली है उसमें देखो ब्रेक लाइट जल रही है दोनों, जब ब्रेक मारेंगे ना तो दोनों लाइट जलेंगी, लेकिन इसमें क्या होता है राइट वाली जो लाइट है ना ब्लैक वाली में, हाँ ब्लैक वाली में राइट वाली जलती नहीं है ब्रेक में। हाँ इसमें इशू है कोई, मेरे ख्याल में जो बल्ब है फ्यूज हो चुका है, तो मुझे लगता है सुबह 4:30 बजे उठ के सुबह इसको खोलना पड़ेगा और चेक करके नया बल्ब है पड़ा हुआ मेरे पास। अच्छा आपके पास है? हाँ स्पेयर रखा हुआ है हमने, वो हम मैं सुबह उठ के पहला काम यही करूँगा। तो 4:30 बजे मुहूर्त है? हाँ सुबह हमने 5:30
एयरपोर्ट चले जाना है तो हाजी साहिबान आ रहे हैं सारे, अच्छा तो उनको रिसीव करने जाना है, तो उनसे पहले मैं 4 बजे उठ के, तो ये नहीं तो मैं सुना था कोई पेंट कोट तो शेरवानी नहीं, शेरवानी तो मैंने रखी है वो प्रेस होने के लिए दी है, वो फारूक ननू है ना उनके कमरे में मैंने टांग के रखी है, और मेरी जूती जो है वो भी मेरे पास है, मैंने ली है अभी श्रीनगर से खरीदी है, अच्छा 9,500 रुपए की। पिछली बार भी रह गया भैया, पिछली बार मैं सरप्राइज देने के चक्कर में मेरी गाड़ी रह गई, ये तभी आने नहीं ले ली इस बार, रिस्क नहीं लेना। मैंने कहा रिस्क लेने नहीं बहन जी, इस बार नई गाड़ी लेनी है। जब मैंने देखी रोड की हालत, मैंने कहा अपनी गाड़ी पे नहीं जाएगा भाई, अपनी गाड़ी पे नहीं जाएगा, इनकी गाड़ी को बैठ वो बनाएगा, रेल बनाएगा। मैं गाड़ी में बैठा था, चन्ना की गाड़ी को थना मंडी से रेल बनाया, श्रीनगर छोड़ा, लेकिन आपको फिर भी मजा नहीं आया। नहीं उसमें फील नहीं आया, लेकिन फील आया जो व्हाइट गाड़ी में स्कॉर्पियो थोड़ी चलाई मैंने श्रीनगर में, लेकिन फील आ गया जी। गुड, अब है कहाँ स्विफ्ट? घर पे है। नहीं ठीक है, वो स्विफ्ट का कोई मुकाबला नहीं भाई मेरे। मेरे पास डिजायर थी 2015 मॉडल, और मैंने वो गाड़ी लगभग 2,00,000 किलोमीटर चलाई, 2,01,100 कुछ किलोमीटर चलाने के बाद किसी वजह से मुझे वो मजबूरन बेचनी पड़ी। जैसे एक कोई बंदा बिछड़ नहीं जाता, वैसे वो गाड़ी मुझसे बिछड़ी, और मुझे बहुत रोना आया क्योंकि मेरी फेवरेट कार थी वो, मेरी वो रॉकेट थी, रॉकेट। मैं 1,000 का तेल डलवाऊं तब भी रजौरी पहुंचता था, अगर 700 का डलवाऊं तब भी पहुंच जाता था, इतनी उसमें बरकत थी अल्लाह ताला ने रखी हुई। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में ही, कोई इशू आ गया, मेजर इशू आ गया, 2,00,000 चल चुकी और इशू आ गया, अभी इशू नहीं आना था, आ गया इशू, बेटा आपका थोड़ा सा गाड़ी मजबूरन बेचनी पड़ी। लेकिन मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी पछतावा नहीं किया, लेकिन मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद थी और मेरी फेवरेट कार थी। अगर मुझे लगता है किसी श्रीनगर वाले बंदे ने वो परचेज की है, अच्छा तो चलो, आपने कार बाजार वाले को दी थी? ना मैंने उसी को दी, कंपनी वाले को, जहाँ से मैंने किया कैरेंस ली, उसी को मैंने कर दी। 3,85,000 रुपए की वो गाड़ी बिकी हमारी। ओ माय, 2,00,000 की गाड़ी। लेकिन उसमें सच बताऊंगा, उसमें मैंने मीटर टेम्पर किया था, पता ही चला हमको, हाँ नहीं पड़ा, 87,000 अब रखा था मीटर। तो इसलिए भैया जब भी गाड़ी लो 2,00,000 चलाओ, मीटर टेम्परिंग जरूर करो, तभी जाके आपकी गाड़ी बिकेगी, नहीं तो नहीं बिकने वाली। ओह माय गॉड, अब मैं बड़ी, आपने पेट्रोल चलाई है ना? मैंने पेट्रोल चलाई है। अब हम घर जाएंगे ना, आपने एक दिन मेरी गाड़ी चलानी है। नहीं, एक दिन क्या, मैं हफ्ता चलाऊंगा। आप जब तक रजौरी हो ना, आपने मेरी स्विफ्ट चलानी है, ठीक है। और आपने बताना है डीजल और पेट्रोल, फिर हम आपका रिव्यू लेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, रिव्यू जो है डीजल का ज्यादा अच्छा है, अच्छा, क्योंकि मेरे पास मेरा जो एक कुलीग है जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो सांबा और कठुआ में, उसके पास भी स्विफ्ट है डीजल, ठीक है। आप यकीन करिए कि मेरे ख्याल में 24-25 की माइलेज तो एक देती है, उसके बाद डिजायर है स्विफ्ट नॉर्मल, हाँ ठीक है, नॉर्मल स्विफ्ट, तो वो एवरेज तो देती है, बट वो रॉकेट है यार, वो भी रॉकेट है, वो तो सही रॉकेट, टर्बो है ना उसमें, हाँ वो बहुत अच्छी है। तो वो अभी वो कह रहा था मैं इसको बेचूंगा, मैंने कहा रहने दे घर पे। कितना, कौन सा मॉडल है? 2012 है, आज 11 साल हो गए, लेकिन गाड़ी उसने आज भी संभाल के रखी है, उसकी वाइफ चलाती है गाड़ी। अब देखते हैं गाइस, सुबह का ध्यान रखिए, सुबह 4 बजे मैं अपना व्लॉग लेके आ जाऊंगा। सुबह मैंने सबसे पहले इसकी टेल लाइट ठीक करनी है, ये ब्लैक वाली की सुबह टेल लाइट ठीक करनी है, और मेरे साथ मेरे पार्टनर रहेंगे मिस्टर मसब, वो मेरे साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद हमने सीधा तैयार हो गए शेरवानी पहन के। तो रेस नहीं लगानी इन दोनों की? इनकी 4:30 बजे रेस होनी है, उसके बाद शेरवानी। आप कौन सी चलाओगे अभी फाइनल? मैं व्हाइट चला लूंगा, ब्लैक नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ब्लैक मुझे ठीक नहीं लगी, तो मुझे लगता है लॉन्च में करूंगा व्हाइट वाली को करूंगा लॉन्च। तो मुझे लगता है कि हम सुबह जो रेस जीतेगी वो व्हाइट वाली जीतेगी, उसके बाद शेरवानी पहन के हमने जाना है एयरपोर्ट इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत अच्छा सीन हो गया जी। लेकिन जो अभी बंदा गाड़ी चला रहा है ना, हाँ, वो फुल फॉर्म में चला, वो भाई जो बंदा आगे चला रहा है उसको नहीं आता, वो पजामे में है। मसला ये है, आसम भाई थोड़ी है, हाँ मामू है। अच्छा मामू है, अभी तो अच्छे चला रहे हैं। मैं भी बोलूँ ये लाइन पे क्यों चल रही है? वही तो, नहीं तो आसम तो राइट साइड पे चलाता है, तो मैं भी तो वही सोच रहा था, हमेशा उधर चलाता है गाड़ी, और साथ में ऐसे ऐसे चलाता है, और गाड़ी स्मूथ चल रही है बिल्कुल। देखो क्या बात है जी, क्या बात है, ये मुझे लगता है जन्म जन्म से सीखे हुए हैं। पर भाई अगर आप कभी देखो ना, एक फॉर्च्यूनर है JK02BE2345, अगर आप उसको कहीं भी देखो ना, आप ब्रेक मार लेना, क्योंकि मेरे नानू ना
रोड अपनी समझ के चलते। नहीं नहीं मैंने देखा हुआ है, एक बार मैंने आपके घर के बाहर ही देख लिया था, क्योंकि मैं नीचे से आ रहा था वो ऊपर से आ रहे थे। मैंने जब देखा मैंने कहा ना ना भाई ना, वापस हो जा नहीं तो आज मारा जाएगा इस गाड़ी के लिए। और यकीन करो फॉर्च्यूनर के आगे स्विफ्ट बेचारी क्या लगती है, क्या लगती है, ऊपर से चला जाते। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ऊपर से आगे, मैं भैया रुको रुको रुको, मैंने बोलता रहा तो उन्होंने फाइनली ब्रेक मारी, करो, मार दिया आपको मार के, नहीं, लिया। ओ, मैंने लाइटिंग ऑफ की इसलिए ब्रेक मारी, उन्होंने शायद देख लिया। अच्छा। नहीं तो चढ़ गए थे ऊपर। अच्छा। तो मैं बाईगार्ड, वो उनके मुकाबले में जो रैश ड्राइविंग है ना, मैंने खुद उनको जम्मू में देखा हुआ है चलते हुए, कसम से क्या ड्राइविंग करते हैं वो। लेकिन चलो वो एज एज भी है, लेकिन मतलब होता है ना कि बंदा एज होता है तो थोड़ा बिल्कुल 40-50 के डर के, लेकिन डर है ही नहीं। जितनी गई थे ना उसे डबल स्पीड में चलते हैं वो। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ जी मैं उनका वो फैन हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है कभी देखेंगे अगर ड्राइविंग, अगर उनको ब्लैक स्कॉर्पियो दे रेस करने। ओहो हो क्या बात है जी, व्हाइट तो दिखेगी नहीं फिर। मैंने कहा रॉकेट क्या, जहाज क्या, पता नहीं आजकल वो बनाते है ना जो पता नहीं क्या क्या बनता है, रॉकेट से भी तेज जो वो उड़ाएंगे इसको। मैं इतने व्लॉग शूट करता नहीं हूँ तो मुझे समझ नहीं आती है फ्रेम कैसे रखना क्या नहीं, अगर सर कट रहा है, मुंह कट रहा है, पीछे का व्यू कट रहा है, अभी तो मैं शीशे में देख के कर रहा हूँ तभी सही है। तो अगर बड़े भैया का कहीं पे मुंह कट रहा है मेरा कट रहा है तो इग्नोर मारना। बहुत मजा किया हमने अभी तो भाई, हमें पूरे रास्ते में 15 मिनट पॉडकास्ट ही शुरू करते आए हैं, पूरा रजौरी हमने घुसा लिया है अपनी पॉडकास्ट में, आपको भी देखने को मिलेगी। तो ये व्लॉग को यहीं पर रखते हैं, सुबह जाएंगे इंशाल्लाह अम्मी अब्बू को लेने, कोशिश ये है कि सुबह जल्दी उठना है। 12 घंटे का सफ़र किया, सुबह 12 बजे निकले थे और अभी 12 बजे यहाँ पे घुसे अंदर। ओह बहुत हेक्टिक रहा है सफ़र, उम्मीद है कि सुबह 4-4:30 उठ जाएंगे और फिर उन्हें इंशाल्लाह लेने जाएंगे, 6:30 बजे वो पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट पे और फिर उन्हें रिसीव करेंगे और फिर आगे का ब्लॉग आपको कल बताएंगे। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग, फीडबैक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।